मुरली हमने स्टार्ट की थी 30 नवंबर 1999 की। मुरली का टाइटल था पास विद ऑनर, बनने के लिए सर्व खजानों के खातों को जमा कर संपन्न बनो। आगे का पार्ट है बिजनेस वाले हाथ उठाओ। बिजनेस वाले क्या सोचते हैं? खास आपको चांस मिला है। बिजनेस वालों को बाप से भी बिजनेस कराओ। सिर्फ खुद किया वहां तो अच्छा किया, लेकिन औरों को भी बाप से बिजनेस कराओ, क्योंकि आजकल सब बिजनेसमैन टेंशन में बहुत है। बिजनेस समय अनुसार नीचे जा रहा है, इसलिए जितना भी पैसा है, पैसे के साथ चिंता है कि क्या होगा। तो उनको चिंता से हटाए अविनाशी खजाने का महत्व सुनाओ। तो जितने भी बिजनेसमैन आए हैं, चाहे छोटा बिजनेस है चाहे बड़ा बिजनेस है, लेकिन अपने हम जींस कार्य करने वालों को खुशी का रास्ता बताओ। जो भी आप बिजनेसमैन आए हैं, उनको चिंता है क्या होगा, कैसे होगा, चिंता है ना? चिंता नहीं है तो हाथ उठाओ। कल कुछ हो जाए तो बेफिक्र बादशाह है। बिजनेसमैन बेफिक्र बादशाह है, बाबा पूछ रहे हैं बार बार। थोड़ों ने हाथ उठाया। जिसको थोड़ा थोड़ा फिक्र है वह हाथ उठा सकते हो या शर्म आएगा? बाप दादा ने टाइटल ही दिया है बेफिक्र बादशाह, बेगमपुर के बादशाह। तो जब भी कोई ऐसी बात आए, आएगी तो जरूर, लेकिन आप बेगमपुर में चले जाना, बेगमपुर में बैठ जाना, तो बादशाह भी हो जाएंगे और बेगमपुर में भी हो जाएंगे। आपने ही आह्वान किया है कि पुरानी दुनिया जाए और नई दुनिया आए, तो जाएगी कैसे? नीचे होगी तब तो जाएगी ना। कुछ भी हो जाए, आपको बेफिक्र बनना ही है। आपने ही आह्वान किया है कि पुरानी दुनिया खत्म हो, तो पुरानी दुनिया में, पुराने मकान में क्या होता है, कभी क्या टूटता है, कभी क्या गिरता है, तो यह तो होगा ही, नथिंग न्यू। ब्रह्मा बाप का यही हर बात में शब्द था, नथिंग न्यू। होना ही है, हो रहा है, और हम बेफिक्र बादशाह। तो ऐसे बेफिक्र हो, बेफिक्र होंगे तो दिवाला भी बच जाएगा, और फिक्र में होंगे तो निर्णय ठीक नहीं होगा। तो एक दिन में क्या से क्या बन जाते हैं, यह तो जानते ही हो ना। बेफिक्र होंगे, निर्णय अच्छा होगा तो बच जाएंगे। टचिंग होगी, अभी समय अनुसार यह करें या नहीं करें। इसीलिए फिक्र माना बिजनेस भी गिरना और अपनी स्थिति भी गिरना। आई रिपीट दिस, फिक्र माना बिजनेस भी गिरना और अपनी स्थिति भी गिरना। तो सदैव यह याद रखो, बेफिक्र बादशाह है, फिक्र की बात भी बदल जाएगी। हिम्मत नहीं हारो, दिल शिकस्त कभी नहीं हो। हिम्मत से बाप की मदद मिलती रहेगी। बाप मदद के लिए बंधा हुआ है, लेकिन हिम्मत ही इनका मददगार नहीं है। तो बाबा बता रहे हैं कि बाप मदद के लिए बंधा हुआ है, लेकिन हिम्मत ही इनका मददगार नहीं है। आप सोचेंगे कि आप की बाप की मदद तो मिली नहीं, लेकिन पहले यह सोचो कि हिम्मत है, हिम्मत बच्चे की तो मदद बाप की। आधा शब्द नहीं पकड़ो, बाप की मदद तो चाहिए ना, लेकिन हिम्मत रखी। दिल शिकस्त ना होकर हिम्मत रखते चलो तो मदद गुप्त मिलती रहेगी। तो बोलो कौन हो बिजनेसमैन, सभी बोलो कौन हो, बेफिक्र बादशाह हो, यह याद रखना। कभी हिम्मत नहीं छोड़ना, कुछ भी हो जाए मदद मिलेगी, लेकिन आधा याद नहीं रखना, पूरा याद रखना।
अच्छा, माताएं बिजनेसमैन नहीं है तो माताएं भी बेफिक्र बादशाह हैं? नौकर नहीं बन जाना, मालिक बादशाह बनकर रहना। चिंता है तो उदासी है, उदासी मना दासी बनना, इसलिए बादशाह बनना। अच्छा, अब दूसरा ग्रुप है, दूसरे हैं इंजीनियर और वैज्ञानिक। वह हाथ उठाओ। वैज्ञानिकों को बहुत अच्छा अनुभव है, जैसे साइंस दिन प्रतिदिन अति सूक्ष्म महीन होती जाती है, ऐसे आप साइलेंस और साइंस दोनों के अनुभवी हो। तो अपने हम जीन्स को साइलेंस का महत्व सुनाओ, उनका भी कल्याण करो। कल्याण करना आता है ना, साइलेंस भी एक विज्ञान है, साइलेंस भी एक विज्ञान है। साइलेंस का विज्ञान क्या है, उसकी इनों को पहचान दो। साइलेंस के विज्ञान से क्या क्या होता है, यह जानने से साइंस भी ज्यादा रिफाइन कर सकेंगे, क्योंकि हमारी नई दुनिया में भी विज्ञान तो काम में आएगा ना, लेकिन रिफाइन रूप में होगा। अभी के विज्ञान की इन्वेंशन में फायदा भी है, नुकसान भी है, लेकिन नई दुनिया में रिफाइंड विज्ञान होने के कारण नुकसान का नाम निशान भी नहीं होगा। तो ऐसे जो बड़े बड़े वैज्ञानिक हैं, उनको साइलेंस का ज्ञान दो, तो फिर अपनी नई दुनिया में रिफाइंड विज्ञान का कार्य करने में मददगार बनेंगे। कितनी संख्या है विज्ञानियों की जो अभी आए हैं, वह कितने हैं? 350। फिर जब आओ तो कितने आएंगे? 350 ही आएंगे। क्या करेंगे? एक 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 को लाएंगे। लाना है तो हाथ उठाओ। आपका नाम तो नोट है, बाप दादा देखेंगे। एक एक को तो आप समान बनाकर लाओ। तो बाप दादा ने होमवर्क भी दिया, एक एक को तो आप समान बनाकर लाओ। जो लाएंगे वह हाथ उठाओ, इन्हों का टीवी निकालो। यह भी एक मौज मनाना है, और क्या है? अच्छा, बिजनेसमैन हाथ उठाओ, इनका भी टीवी निकालो। वैज्ञानिकों के साथ इंजीनियर भी है, इंजीनियर क्या करेंगे? इंजीनियर कुछ ना कुछ नया बनाते हैं, तो सतयुग में नई दुनिया बनाने के लिए औरों को तैयार करो। आप तो राजा बनेंगे ना, आप थोड़े ही मकान बनाने वाले बनेंगे। तो ऐसी आत्माएं तैयार करो जो नई दुनिया की रचना बहुत अच्छे से अच्छी कर सके। ऐसी इंजीनियरिंग करें जो सारे कल्प में ऐसी चीजें ही नहीं हो। चाहे द्वापर कलयुग में बहुत बढ़िया बढ़िया चीजें बनाते हैं, लेकिन नई दुनिया में ऐसी आश्चर्यजनक चीजें हो जो आजकल की श्रेष्ठ चीजों से सर्वश्रेष्ठ हो। तो ऐसे इंजीनियर्स को तैयार करो। चलो, पूरा ज्ञान नहीं लेवे, रेगुलर नहीं बने, लेकिन भाग को तो पहचाने। कई ऐसी आत्माएं हैं जो रेगुलर नहीं बनती हैं, लेकिन निश्चय और खुशी में रहती हैं, संबंध में सहयोगी रहती हैं। ऐसी आत्माएं भी तैयार करो। समझा? बहुत अच्छा। देखो, आपका खास पार्ट इस टर्न में रखा है, तो कोई खास कमाल करेंगे ना? अभी रिजल्ट देखेंगे, बिजनेसमैन कितना लाते हैं, इंजीनियर और वैज्ञानिक कितना लाते हैं। संख्या का तो पता चलेगा ना, रिपोर्ट निकलती है ना कि इतनी संख्या बढ़ गई। तो जो विंग के ऊपर है, उनको एक वर्ष की रिजल्ट मिलती है। यह सब एक वर्ष के बाद तो आएंगे ना, संख्या देखेंगे कि कितनी बढ़ी। अब तीसरा ग्रुप है, हॉस्पिटल के ट्रस्टी। आप सभी क्या कमाल करेंगे? जो पेशेंट आवे,
उसको पेशेंस देकर दूसरों को लेकर आओ, विदेश से भी लाओ। अच्छा, तीसरा ग्रुप रूरल हाथ उठाओ। इसमें माताएं भी हैं, टीचर्स भी हैं। अच्छा, आप लोग क्या करेंगे? गांव गांव को महल बनाना। गांव की ऐसी सेवा करो जो सतयुग की दुनिया में वह गांव महल बन जाए। सभी को नई दुनिया का परिचय दो। गांव वाले बहुत प्यार से सुनते हैं, बड़े बड़े लोग तो कम सुनते हैं, लेकिन गांव वाले लोग बहुत प्यार से सुनते हैं। और गांव को बदल कर दिखाओ। जो गवर्नमेंट को मालूम पड़े कि यह गांव कितना बदल गया है, वो बदल सकते हो। कोई ऐसा गांव हो जिसमें प्रैक्टिकल गवर्नमेंट के आगे एक प्रूफ दिखाओ। गांव गांव में सेवा तो की है, लेकिन इनमें से कोई एक गांव गवर्नमेंट को दिखाओ कि देखो इस गांव में कितना परिवर्तन आया है। ऐसा हो सकता है, ऐसी सेवा की है तो वह गवर्नमेंट तक पहुंचाओ। गवर्नमेंट के आगे रिकॉर्ड रखो। देखो एक बात है, गवर्नमेंट कहती है कि आप सोशल सेवा नहीं करते, लेकिन आजकल बॉम्बे में जो बगीचे बदल कर अच्छे सुंदर बनाए हैं और बढ़ते जाते हैं, तो किचड़े के स्थान को पार्क बनाना, अनेक आत्माओं के निमित्त बनना, क्या यह देश का सोशल वर्क नहीं है? कितने घरों को मच्छर और जो भी जर्म्स हैं उनसे बचाया। सोशल वर्क क्या है? यह सोशल वर्क तो है। तो ऐसा एग्जाम्पल आसपास वालों का साइन लेकर गवर्नमेंट को दो। वह लिख कर दें कि इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। बच्चों के खेलने कूदने का स्थान बनाना, उनकी तंदुरुस्ती बढ़ाना, यह सोशल वर्क नहीं है तो क्या है? तो ऐसे फोटो निकालो। बच्चों के भी फोटो निकालो, बड़ों के भी फोटो निकालो, और जितनों का परिवर्तन हुआ है उनके भी साइन कराओ। फिर गवर्नमेंट को दिखाओ कि हम सोशल वर्क करते हैं या नहीं करते हैं। समझा? ऐसा रिकॉर्ड तैयार करो। जितने बगीचे मिले हैं उन सब का रिकॉर्ड तैयार करो। क्या है, गवर्नमेंट को पता तो पड़ता ही नहीं है और उल्टी बातें बहुत जल्दी फैलती हैं, अच्छी सेवा कम फैलती है। इसीलिए यह सोशल वर्क का एग्जाम्पल दिखाओ। जो बाबा हैं जो कहते हैं ना सोशल वर्क नहीं करते, उनको यह दिखाओ। कितनी खुशी प्राप्त होती है। सोशल वर्कर क्या करते हैं? किसका दुख दूर करके खुशी देते हैं, उसको सेट करते हैं। आप तो दिमाग को सेट कर देते हो। यह सोशल वर्क नहीं है तो क्या है? तो सेवा बहुत करते हो, लेकिन रिकॉर्ड कम तैयार करते हो। जैसे बॉम्बे की अखबारें हैं, उसमें डाल सकते हो कि इतनी आत्माएं आती हैं, इतने बच्चे आते हैं, उन्हों की खुशी के साधन हैं, उन्हों की तंदुरुस्ती बनती है। ऐसे ऐसे रिकॉर्ड तैयार करो। अच्छा, बॉम्बे का कमला नेहरू पार्क भी मिल रहा है, वह भी मिल जाएगा। और आप लोगों को जो ऐसे लेटर मिलते हैं वह और शहरों में दिखाकर वहां भी कर सकते हो। अच्छा, नए नए जो पहली बार आए हैं वहां हाथ उठाओ। ड्रामा अनुसार आए तो अभी है, लेकिन बाप दादा का स्लोगन याद है, लास्ट सो फास्ट, और फास्ट जाकर फर्स्ट आ सकते हैं। मार्जिन है, फर्स्ट जा सकते हो, लेकिन जमा का खाता ज्यादा से ज्यादा इकट्ठा करो। अपना भाग्य याद रहता है ना, विशेष नयों को कह रहे हैं। जिसको भाग्य याद रहता है वह हाथ उठाओ। अच्छा, जो एक सेकंड में अपने संकल्प को जहां चाहे जो सोचना चाहे वही सोच चलता रहे, ऐसे जो समझते हैं वह हाथ उठाओ। एक सेकंड में माइंड कंट्रोल हो जाए,
ऐसे सेकंड में हो सकता है, अगर कर सकते हो तो हाथ उठाओ। ऐसे कहने से नहीं, अगर कंट्रोल होता है तो हाथ उठाओ। अच्छा, जिन्होंने नहीं उठाया उन्हों को क्या 1 मिनट लगता है या उससे भी ज्यादा लगता है? अभी यह अभ्यास बहुत जरूरी है क्योंकि अंत के समय यह अभ्यास बहुत काम में आएगा। जैसे इस शरीर के ऑर्गन्स को बांह है, पांव है, इनको सेकंड में जहां लेकर जाना चाहो वहां ले जा सकते हो ना, ऐसे मन और बुद्धि को भी मेरी कहते हो ना। जब मन के मालिक हो, यह सूक्ष्म ऑर्गन्स है तो इसके ऊपर कंट्रोल क्यों नहीं? संस्कार के ऊपर भी कंट्रोल होना चाहिए। जब चाहो, जैसे चाहो, जब यह अभ्यास पक्का होगा तब समझो पास विद ऑनर होंगे। तुम बनना लक्ष्मी नारायण है तो राज्य को कंट्रोल करने के लिए पहले स्वराज्य अधिकारी तो बनो, तब राज्य अधिकारी बनेंगे। इसका भी साधन यही है कि खजाने जमा करो, समझा? अच्छा, इस वायुमंडल में मधुबन में बैठे हो। मधुबन का वायुमंडल पावरफुल है। इस वायुमंडल में इस समय मन को कंट्रोल कर सकते हो। चाहे मिनट में कंट्रोल करो, चाहे सेकंड में कंट्रोल करो, लेकिन कर सकते हो। ऑर्डर दो मन को, बस आत्मा परमधाम निवासी बन जाओ। देखो मन ऑर्डर मानता है या नहीं मानता है, तो ये बाबा ड्रिल करा रहे थे। ऑर्डर दो और परमधाम निवासी बन जाओ। अच्छा, चारों ओर के सर्व खजानों के मालिक बच्चों को, सर्व खजानों के मालिक बच्चों को, सदा मुश्किल को सेकंड में परिवर्तन करने वाले सदा सहज योगी, सदा संकल्प, समय, बोल, कर्म को श्रेष्ठ बनाने वाले, सदा बचत का खाता बढ़ाने वाले, सदा मन के मालिक, मन बुद्धि संस्कार को ऑर्डर में चलाने वाले, ऐसे स्वराज्य अधिकारी बच्चों को चाहे देश में है चाहे विदेश में है लेकिन दिल से दूर नहीं है, ऐसे चारों ओर के बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। सेवाधारी जो भी सेवा के प्रति आए हैं, विशेष यूपी का टर्न है, यूपी के जो सेवाधारी आए हैं वहां हाथ उठाओ। देखो सेवाधारियों को कितने फायदे हैं। सदा गाया हुआ है, ब्राह्मणों की सेवा महान पुण्य है। भक्ति मार्ग में 100 या 200 200 ब्राह्मणों की सेवा करते हैं, और मधुबन में कितने ब्राह्मणों की सेवा करते हो? और एक एक ब्राह्मण की दुआ सेवाधारियों को स्वतः ही मिलती है, कहने की आवश्यकता नहीं है लेकिन जमा हो ही जाती है। एक तो दुआओं का खाता जमा होता, दूसरा सेवा के पुण्य का खाता जमा होता, तीसरा ब्राह्मणों के समीप संबंध में आते हैं और बाप दादा से मिलने का एक्स्ट्रा टर्न मिल जाता है। तो सेवा का फल कितना है? सेवाधारी अर्थात जमा करने वाले, तो बहुत अच्छी सेवा की, दिल से सेवा की और दिलाराम के पास पहुंच गई। यूपी वाले ठीक है ना? तो जो भी सेवाधारी बनकर आता है उसको प्रत्यक्ष फल मिलता है। भविष्य तो मिलेगा लेकिन वर्तमान समय में भी जमा होता है। डबल विदेशी भी बहुत बैठे हैं, डबल विदेशी हाथ उठाओ। देखो डबल विदेशियों को चांस भी बहुत मिलता है। हर ग्रुप में डबल विदेशी है, डबल विदेशियों को कोई भी टर्न में मना नहीं है, तो यह कम भाग्य है क्या? आप सभी जानते हो कि इन्हों का त्याग, इन्हों की हिम्मत और दिल की सफाई पर बाप दादा सदा खुश होता है। आप लोग क्या कहते हो? सच्ची दिल तो मुराद हासिल। तो ये
साफ और सच्चे दिल वाले हैं। अगर गिरेंगे तो भी सच बताएंगे, छिपाएंगे नहीं, और सच सुनाने से आधा माफ हो जाता है। इसीलिए बाप दादा डबल विदेशियों को सदा याद करते हैं और सदा याद प्यार देते हैं। कमाल तो है, और कमाल करते करते बाप दादा के साथ अपने घर में पहुंच जाएंगे। तो विशेष डबल विदेशियों को पदम गुणा याद प्यार। ऐसे नहीं कि भारतवासियों को नहीं है, भारतवासियों को फिर पदम पदम गुणा याद प्यार। अब है इंदौर हॉस्टल की कन्याएं। कन्याओं के लिए गाया हुआ है कि हर एक कन्या 100 ब्राह्मणों से उत्तम है। क्यों उत्तम है? क्योंकि सेवा कर इतने ब्राह्मणों की दुआ लेनी है। तो कुमारियां बोर्डिंग से निकलकर क्या करेंगी? क्या लक्ष्य रखा है? सेवा करेंगी? सिर पर ताज रखेंगी या टोकरी रखेंगी? क्या करेंगी? आज नौकरी की टोकरी तो नहीं उठाएंगी। 100 ब्राह्मणों से उत्तम का अर्थ ही है 100 ब्राह्मणों की दुआएं लेंगी, तो इतनी सेवा करेंगी? अच्छा, एडवांस में मुबारक हो, सभी की दुआएं लेना। अच्छा, अब बाप दादा ने पूरे हॉल का चक्कर लगाकर सभी बच्चों को दृष्टि देकर वापिस स्टेज पर पहुंचे हैं। मोहिनी बहन की तबीयत ठीक नहीं है, अहमदाबाद से चेकिंग कराकर बाप दादा के सामने आई है ही ठीक ठीक ही ठीक है और ठीक रहेगी। डॉक्टर ने 6-7 दिन की रेस्ट बोली है, बहुत जल्दी ठीक हो गई। हिम्मत रखी तो हिम्मत और मदद से पहुंच गई, यह बीच का चक्र लगाकर आई। दादियों से अच्छी सेवा की, बहुत अच्छा है। जो निमित्त है उन्हों को समय पर एक्स्ट्रा शक्ति मिल जाती है। देखो, आप सब आदि रत्नों के आधार से अपना का कार्य चल रहा है, ऐसे है ना? बाप दादा तो सदा सर्विसेबल रत्नों को देखते रहते हैं। ठीक है ना, शरीर का हिसाब है लेकिन सूली से कांटा हो जाता है। परेशान नहीं होते, हिसाब किताब चुक तो होता है लेकिन परेशान नहीं होते, शान में रहते हैं। औरों को भी शान याद दिलाते हैं, मालिक है ना? शरीर को चलाने की युक्ति सीख गए हैं। शरीर का भी आपसे प्यार है ना? महारथियों से सबका प्यार है, प्यार है ना? दादी जी को देखो कितना काम करती हैं, लेकिन सदा हर्षित। तो सीखते हो ना, कभी थकावट के चिन्ह नहीं होते। यह है बाप समान की निशानी। ब्रह्मा बाबा महारथियों को, विशेष बच्ची को, सब वरदान शक्तियां और जिम्मेवारी सब देकर गए। आप लोगों के लिए बाप दादा ने विशेष इन्हों को अथक बनने का वरदान दिया है। आप सब भी अथक बनकर विश्व को परिवर्तन कर रहे हैं और करते रहेंगे। अच्छा, पांडव भी महान है। ओम शांति। हम सब 1 मिनट के लिए साइलेंस में बैठते हैं।
ओम शांति। ओम शांति। अभी सभी आज की मुरली से जो मुख्य पॉइंट्स बाबा ने बताए हैं अलग अलग ग्रुप को, उसमें से जो आपको पसंद आए वो शेयर करना शुरू करें। ओम शांति। आज बाबा ने बिजनेस वालों के बारे में बताया है, कुछ भी ऊपर नीचे हो जाए तो भी हिम्मत नहीं हारने की और दिल शिकस्त नहीं होने का। अभी मैं बिजनेसमैन के फैमिली से बिलोंग रखती हूँ, मेरे हस्बैंड बिजनेसमैन है तो वह प्रॉफिट लॉस तो होता ही रहता है। मैं खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस मैं शेयर करना चाहती हूँ। 12 साल पहले की बात है, तब तो मैं ज्ञान में नहीं थी। तो इतना लॉस हो गया बिजनेस में तो सब प्रॉपर्टी हम बेचनी पड़ी हमको। तो सब इतने हो जाने भी के बाद भी मेरे मिस्टर ने और हमने हिम्मत नहीं हारी, दिल शिकस्त नहीं हुए। और हमारे गुरु थे, उन्होंने हमको बताया कि अभी महादेव जी के मंदिर में जाके प्रदक्षिणा लगाओ। 1.25 लाख मैंने प्रदक्षिणा लगाई तो ऐसी लिफ्ट मिली ना, जितने हमने खोया था उससे 10 गुना हमने अभी पाया है। तो ये परमात्मा का प्यार ही है और ये भी है कि हम हिम्मत नहीं हारेंगे तो परमात्मा हमारे साथ सदा ही रहता है। अभी 2-4 दिन में मैंने किशोर भाई के क्लासेस अटेंड कर रही हूँ तो उन्होंने बताया था उसमें कि परमात्मा के प्रदक्षिणा में निर्विघ्नता है। तो मुझे तभी इम्पोर्टेंस मालूम नहीं था, अभी जब मैंने क्लासेस ज्वाइन किए तभी मुझे मालूम पड़ा कि प्रदक्षिणा का कितना महत्व है और कितना इम्पोर्टेंस है। थैंक यू सो मच बाबा। ओम शांति। ओम ओम शांति। शांति। हाँ, आज बाबा ने कहा कि फिक्र माना बिजनेस से भी गिरना और अपनी स्थिति से भी गिरना। तो बाबा आगे बता रहे हैं कि बाबा मदद के लिए बंधा हुआ है, लेकिन आप हिम्मत नहीं हारना, कभी हिम्मत नहीं छोड़ना। कुछ भी हो जाए मदद मिलेगी, लेकिन आधा याद नहीं रखना, हिम्मत रख, बाप को याद करो। तो बाप बंधा हुआ है। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने कहा कि संस्कार के ऊपर भी कंट्रोल होना चाहिए। जब चाहो जैसे चाहो, जब यह अभ्यास पक्का होगा तब समझो पास हुई द अनुभव। तो बनना लक्ष्मी नारायण है तो राज्य को कंट्रोल करने के पहले स्वराज्य अधिकारी तो बनो, तब राज्य अधिकारी बनेंगे। इसका भी साधन यही है कि खजाने जमा करो। ओम शांति। ओम शांति। प्यारे बाप दादा बोले, आपने आह्वान किया है कि पुरानी दुनिया खत्म हो जाए तो दिल शिकस्त नहीं बनो, जो हो रहा है उसे देख, समय अनुसार टचिंग होगी, बिजनेस गिरेगी, यानी अब आपकी स्थिति भी गिरेगी। तो हिम्मत दे बच्चे, मदद दे बाप। दिल शिकस्त यानी उदासी, दिल शिकस्त उदासी नहीं, उदासी यानी दासी। बेफिक्र बादशाह बनो। बाबा कहते एक एक को बाप समान बनाओ, आप समान बनाओ। ओम शांति। ओम शांति। बाबा ने आज सेवाधारी के लिए टिप्स दी है कि बच्चे आप भक्ति में बहुत करते हो, सबको याद करते हो, सेवा करते हो, उससे भी बड़ी सेवा है ब्राह्मणों की सेवा। ये पता नहीं था हमें कि जब हम ब्राह्मणों की कोई ना कोई बहाने सेवा करते हैं, चाहे मधुबन में हो, चाहे बाबा के सेंटर में हो, सबके लिए कुर्सी लगाना, चाहे किसी को पैम्पलेट देना, चाहे किसी को कोई लिंक भेजना, तो बाबा कहते हैं इसमें दो फायदे है। एक तो आपका उनकी सारी दुआएं आपको मिल जाती है, ब्राह्मणों की दुआएं माना जमा का खाता, सेवाधारी ये कर सकते हैं। और दूसरा बाबा ने बताया पुण्य का खाता जमा होता है, इसलिए कन्या के लिए बाबा ने कहा 100 ब्राह्मणों में सबसे उत्तम कन्या तब गाई जाती है जब वो 100 ब्राह्मणों की दुआएं लेती है। ये सूक्ष्म पॉइंट है। शांति। ओम शांति। आज प्यारे बाबा ने कहा सेवादार यथार्थ जमा करने वाले,
तो जो भी सेवादारी बनकर आता है उसको प्रत्यक्ष फल मिलता है, भविष्य में तो मिलेगा ही लेकिन वर्तमान समय में भी मिलता है प्रत्यक्ष खुशी। ओम शांति। ओम शांति। डबल विदेशी भी बहुत बैठे हैं, डबल विदेशी हाथ उठाओ। देखो डबल विदेशियों को चांस भी बहुत मिलता है, हर ग्रुप में डबल विदेशी हैं। डबल विदेशियों को कोई भी टर्न में मना नहीं है, तो यह काम कम भाग्य है क्या? आप सभी जानते हो कि इन्हों के कात्याग, इन्हों की हिम्मत और दिल की सफाई पर बाप दादा सदा खुश होते हैं। आप लोग क्या कहते हो? सच्ची दिल तो मुराद हासिल। ओम शांति। शांति। आज बाबा ने भिन्न भिन्न ग्रुपों से बात की, तो उसमें इंजीनियर से भी बात की बाबा ने, तो मुझे चिंतन चल रहा था। हमारे एक भाई अभी अभी ज्वाइन हुए हैं, मिस्टर यश पहल, तो वो भी इंजीनियर हैं, तो मुझे चिंतन चल रहा था कि उनको तो आते ही बाबा ने ये वर्क असाइन कर दिया कि फ्यूचर के अब आप जो है ना सारी रूपरेखा तैयार करो, सारे महल कहाँ कहाँ जाएंगे टूरिज्म के लिए, सब आत्माएं जाएंगी, तो उसके लिए उनको ये काम मिल गया। मुबारक हो भाई। ओम शांति। ओम शांति। बाबा ने वैज्ञानिक को भी 350 वैज्ञानिक जो आए थे उसको भी होमवर्क दिया कि आप 350 ही आएंगे या प्लस करके आएंगे, तो सब वैज्ञानिक को एक एक को और लाना है, ऐसा होमवर्क दे के बाबा ने वैज्ञानिक को तो बोला कि आप रिफ्रेश होकर सारे विश्व की और सतयुग की सेवा करेंगे आगे। ओम शांति। ओम शांति। मैं कल का अनुभव सुनाती हूँ खाता जमा करने का। अमृत वेले बाप से सात गुणों का आत्मा में भरपूर कर मैं आत्मा बिंदी हूँ, ये सोमान बाबा का ज्ञान दिया। खाना बनाते वक्त अन्न का प्रसाद, अन्न प्रसाद खुशी से करने से खाता जमा हुआ। जे आत्माएं खाते वक्त दुआई देते हैं तो खाता जमा हुआ, आनंद मिल गया। दिन भर यह कर्म करते समय मैं आत्मा बिंदी हूँ, यह सोमान से रख बाप दादा होमवर्क देते भी है और पेपर भी आता है, तो अनुभव हुआ एक आत्मा ये थोड़े नाराज थे लेकिन मैं समय पर तुरंत उनको बाबा के ज्ञान दिया और निगेटिव को पॉजिटिव बन दिया, व्यर्थ को जमा खाते में जमा कर दिया तो खाता जमा हुआ। ऐसे दिन भर कितनी बिंदी लगाई। ओम चल। ओम शांति। आज बाबा ने एक प्रैक्टिकल बात बताई है किस प्रकार सेवा करना है और गवर्नमेंट के आगे अपना रिपोर्ट रखना है, तो जो लिंकेजेस बताए बाबा ने कि कैसे आम लोगों को फ़ायदा होता है, भले वो बात बाबा ने रूरल विंग के बारे में बताई होगी कि किस प्रकार गांव की सेवा करते हैं और सभी के व्यसन छूट जाते हैं या आदि आदि, कैसे तरक्की होती है और उस कारण हम सबकी सेवा कर रहे हैं, सोशल सर्विस कर रहे हैं, तो वैसे ही हम भी अपने एरिया में, हम भी जिस क्षेत्र में हैं, चाहे बिजनेस हो चाहे इंजीनियर हो चाहे सोशल सर्विस हो, तो ऑन अ लार्जर बेसिस किस प्रकार इन सेवाओं से अपने अपने क्षेत्र में सभी उन्नति करते हैं, वो हम लेख द्वारा या फिर सर्विस रिपोर्ट द्वारा या फिर उस इंडस्ट्री में
अगर बताए कि किस प्रकार ये भी एक सर्विस है ह्यूमैनिटी की, तो लोग उसे अप्रिशिएट करेंगे। अक्सर रॉ रूप में ज्ञान अप्रिशिएट नहीं होता है, उनको लगता है कि आध्यात्मिकता है, लेकिन जब प्रैक्टिकल उसका फायदा देखते हैं तो लोगों को वो चीज़ अपील होती है। तो बहुत अच्छे से बाबा ने आज वो सेवा कैसे करनी है, किस प्रकार रिपोर्टिंग करनी है, किस चीज़ों को हाईलाइट करनी है, आज के मुरली में हम बच्चों को सिखाया है। ओम शांति। भाई जी क्वेरी थी, बताए। हाँ जी बोलिए आरती बहन जी। जैसे कि आज के मुरली के अंत में जो वरदान देते हैं बाबा सभी को, उसमें सहयोगी कहा ठीक है, एक कहा सेकंड में मुश्किल को आसान करने वाले बच्चों को बाबा ने वरदान दिया। मतलब ये मुश्किल माना किसी देह को हम बदल सकते हैं, वो मुश्किल एक सेकंड में तो हल नहीं होती है, या फिर कौन सी मुश्किल एक सेकंड में हल होती है, उसका कोई मन चिंतन या कोई पॉइंट्स है जो शेयर करें? हाँ, वो वाक्य एक बार पढ़ना, क्योंकि आपका प्रश्न आपके उत्तर आपके प्रश्न में ही है जी। कैसे? बाबा ने कहा एक सेकंड में मुश्किल को आसान करने वाले। हाँ, तो उधर ही पॉज करना, एक सेकंड में मुश्किल को आसान। हाँ। तो बाबा ने कहा है मुश्किल को आसान करना है, हल करना नहीं बोला है उसमें। नॉट नेसेसरी आपका एक सेकेंड में मुश्किल हल हो जाए, लेकिन आसान हो सकता है। मुश्किल कठिन केवल मानसिक स्तर पे होता है, बुद्धि के लेवल पे होता है जी। लेकिन अगर हम बुद्धि से उस मुश्किल को लाइट रूप से देखें तो मुश्किल मुश्किल नहीं रहती है, वो आसान हो जाती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, हम साकार बाबा का एग्जाम्पल सुनते ही है, एक बहुत बड़ा पार्ट यज्ञ में आया था बेगिरी का, कि जिस समय 400 यज्ञ वत्स थे और दोपहर का भोजन के लिए कोई सामग्री नहीं थी और किसी ने कुछ बताया भी नहीं था कि इस प्रकार का भोजन आने वाला है या क्या होगा, इतनी बड़ी मुश्किल की घड़ी थी, तो बच्चों ने बाबा को कहा कि बाबा भंडारे में तो कुछ नहीं है, लेकिन उस टाइम पर भी बाबा का वो मुश्किल को कैसे आसान किया कि भोलानाथ भंडारी बैठा है, उसको अपने बच्चों की फिक्र है, और उस चीज को लाइट कर दिया बाबा ने। एक सेकंड भी उस मुश्किल को मुश्किल नहीं समझने दिया, लाइट हो गए बाबा। और वो परीक्षा की बात वास्तव में घड़ी थी, आप जानते हैं आगे क्या हुआ कि अचानक से मनी ऑर्डर आया पोस्ट से और उससे सबके लिए भोजन लाया गया, लेकिन उस समय इस मुश्किल को बाबा ने कितना आसानी से लाइट कर दिया कि खिलाने वाला ऊपर बैठा है उसे चिंता है, हम क्यों चिंता ले रहे। तो ऐसे ही हमारे जीवन में यदि कुछ मुश्किल आता है, मुश्किल ऐसा नहीं आएगा, हम हर किसी के लाइफ में आता है, लेकिन वो मुश्किल को हम किस प्रकार लाइटली लेते हैं, आसानी से लेते हैं, और किस प्रकार सब चीज बाबा पर छोड़ देते हैं, बाबा के ज्ञान को एज अ टूल बनाकर यूज करते हैं, उससे वो मुश्किल आसान हो जाएगा। हो सकता है वो हल इजीली नहीं हो, हल होने में समय लगेगा, क्योंकि हल हर मुश्किल की इंटेंसिटी अलग अलग होती है, लेकिन अंदर से हम लाइट जरूर हो जाएंगे, उस मुश्किल को फेस करने के लिए हमारे अंदर शक्ति आ जाएगी। और भी कोई कुछ ऐड कर सकता है इसमें? जी बहुत अच्छा, शुक्रिया भाई जी, बहुत सुंदर। ओम शांति। यही बात बाप दादा ने भी मेंशन की थी, जो एक मुरली हमने पढ़ी थी, ये 88 की मुरली अभी कुछ हफ्ते पहले ही आई थी, हिम्मत का पहला कदम समर्पण था। उसमें भी बाप दादा ने ये मेंशन किया था कि ऐसी कठिन परिस्थिति में भी ब्रह्मा बाबा का एक भी संकल्प नहीं चला। तो बाबा ने स्ट्रॉन्गली इस बात को कहा था, एक भी संकल्प नहीं चला तो वो पास हुआ। पास बाबा ने किसको कहा? जिसका एक भी संकल्प नहीं चला। तो हमें भी इस स्टेज तक जाने के लिए पुरुषार्थ करना है कि कोई भी परिस्थिति आए, स्टेज इतनी पावरफुल हो कि एक भी नेगेटिव संकल्प हमारा ना चले, लक्ष्य होना चाहिए अभी। ओम शांति। ओम शांति। भाई ने बिल्कुल ठीक कहा, हर मुश्किल का हल होगा, आज नहीं तो कल होगा। बाबा गीत में भी है, थोड़ा इसमें धैर्य रखना पड़ता है, धैर्य का पौधा कड़वा जो होता है लेकिन फल मीठा होता है। ओम शांति।
ओम शांति। बाबा कहते हैं निश्चय बुद्धि विजयी आत्मा। जब बाबा पर भी निश्चय है तो विजय होना ही है, और जिसके ऊपर स्नेह है वो बाबा उनके ऊपर तो सदा रहते ही है, साथ ही रहते हैं। तो हमको हर हल बाबा पर हर बात बाबा मुश्किल को बाबा पर छोड़कर अपने आप को बाबा पर समर्पित करना, तो ऑटोमेटिकली हर बात के हल हो जाते हैं। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आवाज आ रही है क्या? बोलिए बहन जी, बोलिए। बाबा बोले ना एक बार मुरली में, बाबा बताए थे दिल और दिमाग, जो दिमाग से इस्तेमाल करते हैं तो वो उसका दिमाग में आता है क्यों क्या ये हो जाता है। दिल से हम बाबा को याद कर रहे हैं तो मुश्किल कुछ नहीं, सारा बाबा पे बोझ है, जो भी करेंगे वो बाबा करेंगे, उसके लिए हरदम खुशी खुशी से रहना चाहिए, कोई गम और कोई फिक्र नहीं। हमारे साथ में मेरे हाथ बाबा पकड़े हैं, हम बाबा को क्यों पकड़ पाएंगे, नहीं पकड़ पाएंगे, कोशिश करते, बाकी बाबा हमारे हाथ पकड़े हैं तो फिर चिंता क्या। दिल से बाबा, दिल से बाबा, बस। ओम शांति। ओम शांति। आज ही की मुरली में बाबा ने बताया कि हिम्मत रखी तो मदद मिलेगी, तो निश्चय बुद्धि से बाबा में निश्चय रखा है, बाबा में विश्वास रखा है तो मदद जरूर मिलेगी। ओम शांति। ओम शांति। हाँ बोलिए कुछ। ओम शांति। हाँ जी, वो बाबा ने कहते हैं ना, जैसे कोई आया मुश्किल है तो बाबा के ऊपर छोड़ दो, बाबा को बोझ दे दो। और बाबा ने एक अभी पीछे ही मुरली में बताया कि मेरा को तेरा में समर्पित करो और तेरा समझकर फिर उस मुश्किल को हल करो, उस मुश्किल पे कार्य करो। ये पॉइंट अंडरलाइन। ओम शांति। थैंक यू। तो ओम, आज हमारे बाबा का वैसे अव्यक्त मिलन का डे भी है, तो आज सभी हम दिन भर अव्यक्त स्टेज का अनुभव भी करेंगे। और आज शाम को जो मधुबन में मुरली चलेगी, वैसे तो हम सब जानते हैं इन दिनों बाबा की रिवाइज मुरली ही चल रही है, कोई ना कोई वर्ष की एक मुरली का शायद वो लगाते हैं रिकॉर्ड और वीडियो सभी देखते हैं। लेकिन अनुभव यही होता है कि सभी को फील होता है कि जैसे बाबा पहले साकार में आते थे और वरदान देते थे सभी को सम्मुख, वैसे ही हम भी अनुभव करें आज जब शाम को मुरली बाबा की चलेगी। यदि हम मधुबन में हैं तो मधुबन में तो डायमंड हॉल में सभी सम्मुख मिलेंगे ही, लेकिन यदि हम अपने अपने घर पे हैं, मेजोरिटी तो शायद घर पे ही होगी इस कॉल में, तो शाम को समय जरूर निकालें और लाइव जो यूट्यूब पे आता है या फिर PMTV या आदि चैनल पे आता है, ऐसे अनुभव करें कि बाबा आया है और बाबा वरदानों से झोली भर रहा है। तो सभी समय निकालें, आज वैसे भी छुट्टी का दिन है संडे, और बाबा से अव्यक्त मिलन शाम को जरूर मनाएं। और आज की ही मुरली हम पुनः कल रिवाइज करेंगे सुबह, ताकि हमारा वो मुरली पक्का हो जाए, क्योंकि ये में सभी जन उसी मुरली पर अभ्यास करेंगे एटलीस्ट कुछ शुरुआत के दिन। तो सभी को हैप्पी बाबा मिलन, और उसके पहले हम एक 3 मिनट पावरफुल योग करेंगे। फिर तो बहन जी आप कमेंट्री करें। ओम शांति ब्रदर। आज के मुरली के पार्ट में ना बाबा ने एक ड्रिल कराई है कि मन को ऑर्डर दो परमधाम निवासी बन जाओ। तो अगर आपके पास कुछ वो है म्यूजिक तो आप वो लगा सकते हैं, अदरवाइज हम सब अपने मन को ऑर्डर करते हैं और परमधाम चलते हैं। म्यूजिक तो अभी हमारे पास नहीं है, साइलेंस का अनुभव करते हैं, तो एक सेकंड में हम परमधाम चले जाए। परमधाम जाके बड़े प्यार से बाबा को आह्वान करें, बाबा आज सारा दिन आपके साथ रहेंगे, इसी एक संकल्प में अपने मन को टिका दे।
ओके, आ जाए परम धाम से पुनः भ्रुकुटी के बीच और मैं आत्मा तैयार हो आज के दिन श्रेष्ठ कर्म कर पास विद ऑनर बनने के लिए। सभी को जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हैप्पी बाबा मिलन, कल पुनः मिलेंगे। ओम शांति। थैंक यू भाई जी। ओम शांति। मैं एक मिनट में मेरा अनुभव बताऊं। अच्छा आप बोलो भाई जी। भाई जी यूट्यूब पर लाइव आता है क्या बाबा मिलन? हाँ, ब्रह्मा कुमारी चैनल पे लाइव आता है। आप खाली सर्च भी करोगे ना लाइव बाबा मिलन, आपको मिल जाएगा। 5:30 बजे शुरू होगा। शुरुआत में सूरज भाई की क्लास होगी शायद, और उसके बाद में मिलन शुरू हो जाएगा। खाली सर्च करना लाइव बाबा मिलन, आपको लाइव मिल जाएगा। ब्रह्मा कुमारी इसका ऑफिशियल चैनल पे भी आ जाएगा, PMTV पे भी होगा शायद। जी जी जी। ओम शांति भाई जी। ओम शांति। गुड डे। थैंक यू। उर्मिला बहन जी, आपका अनुभव कल सुनाना। टाइम नहीं है इसलिए, और अभी भी वो मुझे 4 दिन के पहले आया कि एक बोलते हैं ना, दिमाग से और दिल से, इसमें